अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर है। ये रोड तो मतलब फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए या फिर इस तरह छोटी मोटी गाड़ियों के लिए काफ़ी टाइम पहले खुला था, लेकिन रोड बहुत तंग था। पहले गाड़ियों की आमदरफ बहुत भी कम थी, और इसके बाद खासकर सब्ज़ी का मौसम है तो एकदम से गाड़ियों की आमदरफ में बूम आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जगहों पर रोड तंग था और दोनों तरफ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। मतलब वन टाइम में दो गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, एक ही जा सकती थी। उसकी वजह से दोनों तरफ से गाड़ियाँ अपने हिसाब से आते थे। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं था कि वहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, जिसकी वजह से बहुत टाइम मतलब इस तरह ज़ाया होता था। जो दोनों गाड़ियाँ आमने सामने होती थी, जिसकी वजह से वो फिर उनके लिए रेवस होना या फिर इधर उधर होना काफ़ी टाइम मतलब लगता था। और दूसरी बात, गाड़ियों अब पहले की तरह अपने हिसाब से लोड लेकर आते थे। छोटे मोटे हादसे भी हुए। तोरवाल में एक गाड़ी का हादसा हुआ जिसमें काफ़ी लोग जख्मी भी हुए, और कल फिर उस तरफ एक डायना पलटी जिसके वजह से तकरीबन 3-4 घंटा रोड बन रहा, जिसकी वजह से कभी रोड बन रहा और फिर तो शायद लेट टाइम खुल गया। लेकिन इस तरह हादसात अगर मतलब एहतियात ना की जाए तो होते रहेंगे इस तरह। इसके लिए मेरे कुछ सजेशन है कि उस पर थोड़ा बहुत अगर अमल करें। आई थिंक कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक कि थोड़ी बहुत मतलब इसमें कमी लाई जा सकती है। एक तो वे कि एक रोड के इस तरफ जहाँ पर ख़ासकर ब्लॉकेज है रोड के इस तरफ और या फिर उस तरफ, एक एक बंदा हो पुलिस का जिसका आपस में रबता हो, ताकि उन्हें पता है कि यहाँ से फिर 4-5 गाड़ियाँ छोड़े या फिर उधर से 4-5 गाड़ियाँ छोड़े इस तरह मतलब बहुत। और या फिर इस दूसरी गाड़ियों को मतलब लोड इतना ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, गाड़ियाँ दूसरी तरफ से लोड ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें जाने में आसानी हो। अब वो चढ़ाई पर थोड़ा बहुत काम कल भी किया था, आई थिंक भी आज भी हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ अभी तो ब्लॉक है। इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ये खुल जाएगा और गाड़ियों के लिए काफ़ी आसानी होगी। अभी भी बहुत ब्लॉकेज पे बहुत सारा रश बना हुआ है, लोग काम भी कर रहे हैं और इदारे भी काम कर रहे हैं। डायना कुछ रेती बजरी लेके जा रही है ताकि वो भी अंदर चढ़ाई कम से कम की जा सके। कल भी वो गाड़ी वहीं पे गुजरी थी, गिरी थी, उसको बाद में हटाया गया। अभी भी लोगों का काफ़ी रश बना हुआ है। डायना 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 काम की वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा रश जमा हो गया था। अब तकरीबन वो खुल गया है गाड़ियों की वो एक लंबी लाइन। अब बनो ये सवार है तुम्हारा नहीं छिपा मी फला न्यू आप मसला पड़ा रखा क्यों कि हमारा रहा क्यों
कि पोर नुथिरा मार खेरेश थलल ला जाला थले बई 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 दासो यो ना कोई फंदा दिला